हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, लोकसभा 2024 के तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगभग सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार करके 2024 के चुनाव को जीतने के लिए जो भी फार्मूला होता है उसे जमीन पर उतारने का आदेश दे दिया है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर पेच फंस चुका है। उन्हीं में से एक सीट है बिहार के लोकसभा काराकाट की सीट, जहां से भोजपुरी गायक पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सम्मानित साथियों, मुझे यह वीडियो इसलिए बनाने की जरूरत पड़ गई है कि आज तक एक प्रसिद्ध चैनल है उसके द्वारा और बिहार तक न्यूज चैनल के द्वारा एक थंबनेल दिखाई दे रहा है जिसको आप लोग देख सकते हैं। उस पर लिखा हुआ है कि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, जिस पर के क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो अब यहीं से सवाल पैदा हो जाता है कि क्या वास्तव में पवन सिंह बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं? तो दोस्तों, उसी की पूरी जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या पवन सिंह बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पवन सिंह कभी भी बहुजन समाज पार्टी के न तो प्रत्याशी रहे हैं न तो कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके का व्यक्तित्व पेश किया है उससे यह साबित होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के फुल सपोर्टर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए गाना गा चुके हैं। जहां तक आप लोगों को मालूम भी होगा कि पवन सिंह भोजपुरी के फिल्म स्टार के साथ साथ एक गायक भी हैं। लोकसभा 2024 के प्रत्याशियों का ऐलान करते समय भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था और ठीक 24 घंटे बाद पवन सिंह ने ट्वीट के माध्यम से यह बताया था कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव न लड़ने का जो कारण बताया जा रहा था वह कारण कुछ ऐसा था कि पवन सिंह ने भोजपुरी गाना गाने के दौरान पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर के अश्लील और अभद्र गाने गाए थे, जिसके वजह से पवन सिंह का पश्चिम बंगाल में विरोध होने लगा, जिसको देखते हुए कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से ही पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की जब घोषणा कर देती है उसके बाद ही कोई प्रत्याशी यह घोषणा करता है कि मैं फला सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को लेकर के बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का कोई भी ऐलान नहीं किया है। जिस काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह ने ट्वीट के माध्यम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उस सीट पर एनडीए गठबंधन ने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा का प्रत्याशी बना चुकी है। वहीं पे इंडिया गठबंधन के तरफ से कामरेड राजाराम सिंह कुशवाहा को भी प्रत्याशी बनाया गया है। काराकाट लोकसभा सीट कुशवाहा लैंड बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि जो भी कुशवाहा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा वह चुनाव जीत सकता है। अब आता है मुख्य सवाल कि क्या बहुजन समाज पार्टी पवन सिंह को काराकाट लोकसभा सीट का चुनाव लड़ाएगी? तो दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी पवन सिंह को किसी भी शर्त पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं बना सकती है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना करके हटा दिया, हटाने की वजह ये थी कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अश्लील गीत गाए थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक अम्बेडकरवादी पार्टी है और वह किसी भी शर्त पर किसी महिला के खिलाफ कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की टिप्पणी करता है या गीत गाने भी गाता है तो बहुजन समाज पार्टी इस तरह के किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वह पवन सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे प्रत्याशी नहीं बना सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी महिलाओं का मान सम्मान करती है या किसी भी समाज या समुदाय का मान सम्मान करती है। वह इस तरह के किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का काम नहीं करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसका रीजन ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, वह साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को ही टिकट देने का काम करती है। इसलिए पवन सिंह को बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ने की जो भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, मेरे विचार से लगता है कि यह बिल्कुल ही फेक और फर्जी है।
तो सम्मानित साथियों, आपको क्या लगता है कि बहन जी या बहुजन समाज पार्टी पवन सिंह को काराकाट लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।